हरिद्वार के सात आध्यात्मिक केंद्र। हरिद्वार एक पुराना शहर है और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। हरिद्वार से लगभग 157 किलोमीटर दूर पवित्र गंगा नदी इंडो घेट्टी तल से जाकर मिलती है। इस शहर का पूर्व नाम गंगा द्वार था, जिसका शाब्दिक अर्थ है माँ गंगा का द्वार। हरिद्वार को सात सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी घाट पर एक अमर बूंद गिरी, जिससे ये एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल गया। हरिद्वार की संस्कृति से भारतीय संस्कृति और विकास को समझा जा सकता है। हरि भगवान विष्णु का नाम है और हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हरिद्वार से यात्रा शुरू करना चाहिए। हरिद्वार एक प्राचीन शहर है, जिसे कई शासकों ने ध्वस्त करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये शहर अपने आध्यात्मिकता के महत्व को बनाए रखने में कामयाब रहा। बुद्ध से पहले की कई पुस्तकों और पांडुलिपियों में इस शहर का उल्लेख किया गया था। हरिद्वार में पुरातत्व ने 1700 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच हरिद्वार में टेराकोटा संस्कृति की समृद्धि को दिखाया। प्राचीन चीनी यात्री हुसांग सांग की यात्रा पुस्तकों में भी हरिद्वार का उल्लेख किया गया था। शहर का दौरा करने वाले अंग्रेजी यात्री थॉमस कोरियार्ट ने इसे सम्राट जहांगीर के शासन के दौरान भगवान शिव की राजधानी हरिद्वार कहा था। पवित्र स्थान, मंदिर और तीर्थ जो दर्शन के लायक हैं। हर की पौड़ी। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने कई वर्षों तक गंगा के तट पर तपस्या की थी। राजा विक्रमादित्य ने उनके मृत्यु के बाद उस घाट को उनकी स्मृति में बनवाया था। इस पहाड़ी के नीचे आज भी भर्तृहरि के नाम की एक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि तपस्या के दौरान उन्हीं मार्गों पर सीढ़ियां बनी हुई थी, जिससे राजा भर्तृहरि गंगा नदी में स्नान करने उतरते थे। राजा भर्तृहरि ने इन सीढ़ियों का नाम पड़ी रखा। यह भी कहा जाता है कि वैदिक काल के दौरान भगवान शिव इस स्थान पर आए थे और भगवान विष्णु के चरण कमल यहाँ पर एक पत्थर पर छपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि विष्णु के पैरों के निशान के कारण इस स्थल को हर की पैड़ी भी कहा जाता है। शांति कुंज आश्रम। हरिद्वार में एक लोकप्रिय आश्रम शांति कुंज आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है। आध्यात्मिक और नैतिक मुक्ति की तलाश में दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग इस आश्रम में आते हैं। ये हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर, जिसे बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, पंच तीर्थों में से एक है और सांपों की देवी मनसा को समर्पित है। यह हरिद्वार में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये मंदिर विश्वास पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो हिमालय पर्वत की दक्षिणी सीमा का एक हिस्सा है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आगंतुक 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के माध्यम से या मनसा देवी उड़न खटोला केबल कार से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत के शीर्ष पर स्थित शक्तिपीठों में से एक है, जो चंडिका देवी को समर्पित है। देवी चंडी, जिनका जन्म देवी दुर्गा की ऊर्जा से राक्षस राजा शुंभ निशुंभ को मारने के तत्पश्चात हुई थी। इस स्थल पर आने वाले उत्साही उपासक पहाड़ी की चोटी पर 3 किलोमीटर की साहसिक यात्रा का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा अधिक आरामदायक विकल्प उड़न खटोला या रोपवे सेवा के द्वारा यहां पर पहुंचा जा सकता है। खनकल। खनकल भारतीय शहर हरिद्वार में एक छोटा सा गांव है। खनकल हरिद्वार के 5 महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से पंचतीर्थ के रूप में जाना जाता है। दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र है। भीमगोड़ा टैंक। भीमगोड़ा टैंक का नाम पंच पांडव भाई दूसरे पांडव भीम के नाम पर पड़ा। बहुत से लोगों का मानना है कि भीमगोड़ा तालाब का निर्माण भीम के घुटने के जमीन में टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ।
जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल टैंक बन गया। सप्त ऋषि आश्रम और सप्त ऋषि सरोवर। सप्त, सात ऋषि। जैसा कि नाम से पता चलता है, सात ऋषियों का स्वर्गीय अभयारण्य केंद्र, जहां पर सप्त ऋषियों ने तपस्या किया था, सप्त ऋषि आश्रम के नाम से जाना गया। इसमें कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, अत्रि और जमदग्नि शामिल थे। पांडवों ने इस स्थल से अपनी वनवास यात्रा की शुरुआत की थी। आज भी इस जगह पर पंच पांडव और उनके पत्नियों की मूर्तियां इस नदी के आश्रम के किनारे अक्षय रूप में मौजूद हैं। शास्त्रों में एक और वृत्तांत सामने आता है। गंगा इस आध्यात्मिक आवास से होकर बहती है। ये पवित्र आश्रम जहां सात ऋषियों ने ध्यान किया था, गंगा नदी इस बिंदु पर सात नदियों में विभाजित हो गई, इसलिए इसका नाम सप्त सरोवर, सात नदियां पड़ा। अपने धार्मिक वातावरण के कारण ये आश्रम साल भर शिष्यों से भरा रहता है। आज भी इस सुरम्य पुराने आश्रम में दुनिया भर के ऋषि और बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो अच्छे जीवन कौशल प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। एक बार यहां जरूर आएं, आप निराश नहीं होंगे। इन सभी सातों आध्यात्मिक केंद्रों के सुगम दर्शन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद।